समाजवादी पार्टी के नेता स्वामी प्रसाद मौर्य का विवादित बयान सामने आया है। बौद्ध मठ तोड़कर बनाए गए हिंदू मंदिर, ये उनकी ओर से कहा गया। केदारनाथ बद्रीनाथ पहले बौद्ध मठ थे। स्वामी प्रसाद मौर्य का ये बयान, 15 अगस्त 1947 की स्थिति स्वीकार करें, मंदिर मस्जिद नहीं मंदिर, बौद्ध मठ का विवाद, ये स्वामी प्रसाद मौर्य की तरफ से विवादित बयान दिया गया। हर मस्जिद में मंदिर खोजना बंद करो, अगर यही रवैया आपका चलता रहेगा तो लोग मंदिरों में कहीं बौद्ध मठ न खोजना शुरू कर दें, क्योंकि इतिहास इस बात के गवाह हैं कि जितने भी हिंदू तीर्थ स्थल बनाए गए हैं ये कभी न कभी बौद्ध मठ थे। बौद्ध मठों को तोड़ करके हिंदू तीर्थ स्थल बनाए गए हैं, बद्रीनाथ धाम हो, केदारनाथ धाम हो, या हिंदू धर्म के अन्य प्रमुख तीर्थ स्थल जितने भी हैं, नाम लूँगा तो दर्जनों से ज़्यादा जाएगा, वो सभी कभी न कभी बौद्ध मठ रहे हैं। तो इसीलिए मस्जिद और मंदिर का राग आलापना बंद करो, अच्छा होगा राष्ट्रहित में भाईचारा बनाए रखने के लिए, सांप्रदायिक सौहार्द बनाए रखने के लिए। 15 अगस्त 1947 के दिन जब हमारा देश आज़ाद हुआ तो उस दिन जिस भी धार्मिक स्थल की जो भी यथास्थिति थी उसको हमें यथावत स्वीकार करना चाहिए और उसी को मान करके हमें सभी प्रकार के विवादों पर विराम लगाना चाहिए। अन्यथा अगर ये आपकी ये परंपरा चलती रहेगी तो आने वाले दिनों में जितने भी आपके मंदिर हैं उन पर भी लोग उंगली खड़ा करेंगे और विवाद फिर मस्जिद और मंदिर का नहीं रहेगा, विवाद मंदिर और बौद्ध मठ का रहेगा, क्योंकि बौद्ध मठ तोड़ करके मंदिर बनाए गए हैं। इसलिए उस समय आप कहाँ खड़े होंगे, इसलिए सावधान रहो, सजग रहो।